नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं वर्मा फार्मिंग 3.0 यूट्यूब चैनल। मैं इस समय आ गया हूं अपने खेत पर जहां पर मेरी सरसों कटी हुई है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी सरसों किस प्रकार की थी। और हमने सरसों जो है गन्ने अक्टूबर का जो माह के शरदकालीन गन्ना बोया जाता है उसमें गन्ने के साथ में सरसों बोई थी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ सरसों की खेती हुई है, इसमें लगभग में सभी में गन्ना बोया हुआ है। और ये हमारा स्वराज 855 एफी ट्रैक्टर है। ये हमारा सरसों का खेत है जो आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर आप लोग वीडियो तो अच्छी प्रकार से देखते हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसमें क्या है आप लोग चैनल को कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं अभी इसको लोड करूंगा और उसके बाद में लेवर आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसको खंदाई कराएँगे मशीन के द्वारा, जो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को दिखाता हूं कि मेरा गन्ने का जामिनेशन किस प्रकार से हुआ है हमारे सरसों के खेत में। चलो देखिए किस प्रकार से गन्ना हमारा जमा हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गन्ना जमा हुआ है। आप लोग सरसों की जड़ों के माध्यम से बीच में देख सकते हैं कि ये जो कलम है ये गन्ने की है। देखिए किस प्रकार से कितना घने गन्ने का जामिनेशन हुआ है। अगर आप लोग अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं गन्ने की, तो उसमें आप सरसों और सा फसली में सरसों, आलू और धनिया, लहसुन आदि फसलों की क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये हमारा सरसों का खेत है जिसमें सरसों कटी हुई पड़ी है। हमने इसमें ट्रेंच विधि के द्वारा गन्ने की बुआई कराई थी, उसके बाद में सरसों की बुआई कराई। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लगभग में 3.5 फीट की दूरी पर गन्ना डबल लाइन में बोया हुआ है। ये गन्ने की वैरायटी जो हमने यूज की है वो है कोलक 14201, जो हमारा मील जो है वो इसको ही बोने के लिए कह रहा है, इसीलिए हमने इसकी ही बुआई कराई है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.